इस बिना के ऊपर मैं आपसे एक वो अच्छी बात बताना चाहता हूँ। पूरे गुजरात के नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ये जान ले कि 2002 के बाद जो भी हादसा हुआ ये हो गया। इसके पहले कांग्रेस के अंदर हजारों मुसलमान गुंडे और बदमाश थे। इसके बाद जो परिवर्तन आया है, आज आप देख लीजिए, यहाँ मामा भी बैठे हैं, काका भी बैठे हैं, जितने भी मुसलमान बिल्डर हैं आज की मोदी के विकास के साथ में मुसलमान वो बिल्डर बन गए हैं, और जितना गुंडागिरी की है वो बंद हो गई है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के माइनॉरिटी मोर्चा की अभी प्रदेश की मीटिंग हुई, उसमें यह कहा गया कि जब वोटिंग का दिन हो, मतदान का दिन हो, उस दिन मुसलमान लोग टोपी पहनकर, दाढ़ी झब्बे पहनकर और बुरखे पहनकर मुस्लिम औरतें समूह में मतदान न करें। अगर ऐसा करेंगे और वो टीवी मीडिया में दिखाया जाएगा तो हिंदू समाज पर उसका रॉन्ग इफेक्ट जाएगा और कांग्रेस को जो वोट मिलने वाले हैं उसमें कमी आएगी। तो हम मुस्लिम समाज से निवेदन करते हैं कि मतदान के दिन, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, मतदान के दिन टोपी पहनकर, दाढ़ी झब्बे पहनकर की हालत में और बुरखे पहनकर नहीं जाए, तो क्या बुरखे उतार के जाएंगे? और जो टोपी पहनते, क्या टोपी निकाल के और कफनी निकाल के मतदान करेंगे? तो मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए। मैं हिंदू समाज से ये कहता हूं कि राहुल गांधी का जो हिंदुत्व है ये डुप्लीकेट हिंदुत्व है, ये ओरिजिनल हिंदुत्व नहीं है। इससे बेहतर है, हम तुम्हारे पास दो हिंदू है, एक डुप्लीकेट है और एक सच्चा हिंदू है, तो तुम सच्चे को पकड़ो, क्योंकि सच्चा तुम्हारे साथ में जो बात करेगा वो साफ करेगा, डुप्लीकेट आदमी पीठ में कहीं वार करेगा, पता नहीं चलेगा।